Hello friends, we are going to learn about calculation of scattering frequencies in IR spectroscopy. So today we are going to learn by the example of carbonyl group. You can see in carbonyl group there are two atoms, carbon and oxygen. So we are taking carbon as X and oxygen as Y. So we have two atoms and between them we have a double bond. Okay, so double bond means multiplicity is 2. So it affects the frequency. How? That we are going to see. Now we can see, yeah, a question may be asked to you. To solve the question, you can see question, calculate the frequency of carbonyl stretching. So for this question solution, we must know a formula. And the formula we required is, you can see in screen, a formula is given. Formula is nu. Nu equal to frequency. Nu ko hum frequency bolenge. Nu equal to 1 by 2 pi c. F upon mx my upon mx plus my. So this is the formula for calculation of the stretching frequency. IR instrument work on the formula which is here. So IR instrument frequency calculate karta hai, wo is basis pe, ye formula ke basis pe calculate karta hai. So here nu equal to vibrational frequency which we want. The unit will be centimeter inverse. Uska jo unit hoga, wo centimeter inverse hoga. Here c is velocity of light, yani ki prakash ki gati, velocity of light c, which we are learning from 11-10 standard, right? And small f is force constant. Force constant bola jayega. To ye force constant hai, wo small f hoga. To yahan pe diya gaya hai. Okay, ye force constant बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के अनुसार वेरी होता है. अगर बॉन्ड सिंगल है तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, डबल है तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, ट्रिपल है तो डिफरेंट वैल्यू आएगी. क्या आएगी वो हम अभी देखेंगे, राइट? सो दिस आर द मेन की पॉइंट. नाउ एम इज अ एटम व्हिच वी आर टेकिंग हियर एज कार्बन. यू कैन सी, सो कार्बन के लिए एम एक्स, ऑक्सीजन के लिए एम वाई. तो ये m क्या है? मास है. किसमें लेना है? ग्राम में. तो हियर वी हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सॉल्यूशन ऑफ दैट. सो हियर टू सॉल्व दिस वॉल फॉर्मूला, इट इज बेटर कि हम ऐसा करें कि हम एक छोटे छोटे टुकड़ों में इसको सीखे तो जल्दी आसानी रहेगी. तो हम ये जो नीचे का पार्ट है उसको म्यू म्यू बोलेंगे और उसका जो सॉल्यूशन है हम पहले ढूंढेंगे. तो एम एक्स इंटू एम वाई अपॉन एम एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू म्यू, म्यू सॉरी म्यू हम बोलेंगे और उसे हम रिड्यूस मास बोलेंगे. सिंगल बोन के लिए 5×10⁵ होता है, डबल बोन के, ट्रिपल बोन के डबल ट्रिपल वैल्यू हो जाती है. क्या वैल्यू होगी तो वो हम देखेंगे. ये इस तरह, यस. तो ये आप देख सकते हैं क्लियरली दिया हुआ है. सिंगल बॉन्ड के लिए ये वैल्यू, डबल बॉन्ड के लिए ये वैल्यू और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये वैल्यू. तो हमको कौन सी लेनी है? ये वाली, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है. वी हैव डबल बॉन्ड, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में दो बंद है. तो हम ये वैल्यू चूज करेंगे, ये यूज करेंगे, राइट? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट कैलकुलेशन. ओके, तो आप देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में सी की वैल्यू हम लेंगे 3×10⁻¹ सेंटीमीटर पर सेकंड. ये जो है वो सेंटीमीटर यूनिट है, इसलिए 10⁻¹ है. अगर मीटर होता तो ये वैल्यू चेंज हो जाती, राइट? फोर्स कॉन्स्टेंट हियर 5 लिखा है, तो एक्चुअली ये सिंगल बॉन्ड का है. हम कौन सा लेंगे? 10 लेंगे, क्योंकि हमारा कौन सा है? डबल बॉन्ड है. तो 10×10⁻¹ आएगा, राइट?
एटॉमिक मास में कार्बन का 12 रहता है, ऑक्सीजन का 16 रहता है, और आप उसे चेंज करके ग्राम में ऐसे भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीवे, राइट? ओके, सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग. सो मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ ऑक्सीजन 16, हियर अपॉन 12 प्लस 16, तो इसका जो आंसर है वो 192 आएगा. इसका आंसर आप कैलकुलेटर से करेंगे 28 आएगा. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपको 6.86 एटॉमिक मास यूनिट मिलेगा. और दिस आंसर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू ग्राम. तो इसको ग्राम में हम कन्वर्ट कैसे करें, आप जानते हैं, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 6.023 इनटू 10^23. आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आपको जो मिलने वाला है वो 8.7 इनटू 10^-24 आपको ये आंसर मिल जाएगा. आप कैलकुलेटर लेके करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब ये जो मिला वो म्यू मिला, तो इसको हमको पुरानी वाली फॉर्मूला में डालना है. ओके, तो हम आगे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये म्यू का कैलकुलेशन जो हमने पीछे किया. ओके, अब ये वैल्यू हमने यहां पे डाल दी, आप देख सकते हैं ये म्यू की वैल्यू है. ऊपर डबल बॉन्ड के कारण 10 × 10^5 आया है. ओके, नाउ वी हैव टू डू व्हाट, ये जो पूरा वैल्यू है कैलकुलेटर रखे के आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, उसको हमने साइड में लिखाया हुआ है हियर. इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलने वाला है, ये वाला 1.186 × 10^14 इसका सिंप्लीफाइड आंसर. और ये आंसर जो आया वो हम इधर रखेंगे. ये सारी चीजें हैं, इनका हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये 3 × 3 9 9 × 2 18, सो ये आंसर आएगा, इसका आंसर ये मिलेगा. और अगर आप नाउ इफ यू सिंप्लीफाई, इफ यू कैलकुलेट, तो ये दोनों का आप डिवाइड करके जो आंसर लाएंगे वो अप्रोक्सीमेटली 1780 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा. इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक ले लो, उसमें जो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपको 1700 से लेके 1780 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में दिखाई देगी. तो इसका मतलब हम जो थियोरेटिकली पढ़ते हैं वही वैल्यू हमको कैलकुलेट करके मिलती है. बट व्हेनेवर हम अगर कोई भी आईआर ले तो उसमें हमको कभी कार्बोनिल का जो कीटोन का है वो वैल्यू 1725-1730 इसके आसपास मिलता है. एल्डिहाइड का थोड़ा डिफरेंट मिलता है, तो वो किसके कारण होता है, उसके नेबरिंग ग्रुप की इफेक्ट के कारण, तो उसके कारण वो डिफरेंस हो जाता है. ये क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये यू कैन सी कि आप इस तरह से जो भी वैल्यू आप इंस्ट्रूमेंट से पाते हैं वो सही है, इसका मतलब जो हम पढ़ते हैं वो सब सही है, और इस तरह हम कैलकुलेशन करके वैल्यू पा सकते हैं. सो दिस फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी हमको मिली सी डबल बॉन्ड ओ के स्ट्रेचिंग के लिए. आई होप आप सबको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा. तो इसके साथ ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे और दूसरे